वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं शो की जानिब। जैसा आप ये बताइए कि आप डांसर भी हैं और आप एंटरटेनर भी हैं और कॉमेडी करते हैं, तो पहले आप रक्स की दुनिया में आए या कॉमेडी की दुनिया में? नहीं, पहले मैंने डांस किया और 6-7 साल के बाद फिर मैंने कॉमेडी स्टार्ट कर दी। जब मैंने लोगों को देखा काम करते हुए कि कॉमेडी का जरा ज्यादा स्कोप है, तो मैं मूव कर गया फिर इस तरफ हल्के हल्के। तो कॉमेडी मुझे ज्यादा मजा आता है, मतलब कॉमेडी मुझे खुद भी करने में बहुत मुश्किल काम है, आसान से ज्यादा कॉमेडी मुश्किल है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि हम स्टेज पे आते हैं, मतलब हर तरह का बंदा बैठा होता सामने, कभी 5,000 का क्राउड भी होता है तो कभी 5 लोग भी होते हैं। ऐसा भी मैंने शो किया है जिसमें 5 से 7 लोग बैठे हुए, मैंने ऐसा भी शो किया कि उसमें 5,000 लोग थे। तो खासा मुश्किल होता है कि आप वहां आए, स्टेज पे खड़े हों, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लिख के लेके जाते हैं, हाँ अभी ये बोलना है, लेकिन कुछ कॉमेडी ऐसी होती है जो वहीं की ऑब्जर्वेशन होती है और वहीं आमद हो रही होती है कि यहाँ पे ये करना है हमें, और वो हो रहा होता है, मतलब आ रहा होता है और हो रहा होता है, कुदरती तौर पर हो रहा होता है और बस अच्छा हो रहा होता है जो भी होता है। अली सरवर साहब, ये बताइए कि आप प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, तमाम काम मैनेज हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लिखने का काम जाहिर है घर पे भी हो सकता है, ऑफिस में बैठ के भी हो सकता है, तो मुझे टाइम मिल जाता है दोनों को मैनेज करने का आसानी। और चूंकि दोनों, मैं लिखता भी करंट अफेयर पे हूँ और प्रोग्राम भी इसी पे करता हूँ टेलीविजन पर, तो दोनों के लिए जाहिर है सोचना और तैयारी करना वो दोनों के काम आ जाती है, लिखने में काम आ जाती है वो और बोलने में भी काम आ जाती है। बाकी फर्क तो जाहिर है सबसे मेन चीज़ तो यही है कि एक जगह कैमरा है, एक जगह नहीं है, एक जगह बोलना है, एक जगह सिर्फ लिखना है, और दोनों में बहुत फ़र्क है। और अब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि इसमें साथ साथ एक तो पैसे अच्छे मिलते हैं, दूसरा आप चेहरा नजर आ रहा तो टेलीविजन पर लोग ज्यादा पहचानते हैं, आपको फेम मिलता है। लिखने में जाहिर है सिर्फ नाम से लोग वाकिफ होते हैं, और वो भी जाहिर है कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, जो मुताला करते हैं या अखबारात खरीद करके। अब तो बहुत कम रुझान हो गया है, किताब से दोस्ती कम हो गई, मुताले बहुत कम कर दिया लोगों ने। और देखिए, ऑब्जर्वेशन जिस तरह ज्यादा साहब भी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन भी बड़ी अहम चीज़ है। वो ये किसी किस्म की भी परफॉर्मेंस हो आपकी, वो डांस की हो, वो कॉमेडियन कोई हो, वो एक्टर हो या एंकर हो, ऑब्जर्वेशन भी बड़ी अहम है, इर्द गिर्द निगाह रखना भी बड़ा जरूरी है आपको। चले हालात हाजरा पर निगाह होगी, उसी से ये लोग जाहिर जॉक भी लेकर आते हैं, खबरों से निकालते हैं, हम भी जाहिर उन्हीं चीज़ों से सवाल निकालते हैं, और इसी तरह ये काम चलता है। तो ऑब्जर्वेशन बड़ी अहम चीज़ है। जैसा आप ये बताइए कि जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में जब लोग जो है बेख्तियार होकर स्टेज पे आ जाते हैं, तो आप महसूस होते हैं या आपको कोफ्त होती है? नहीं, बहुत बुरा होता है उनके साथ, क्योंकि असल में हम जो रोटी खाते हैं ना, वो बोलने की खाते हैं। अब वो कुछ बीच में लोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं हीरो बनने के लिए, और फिर जब हम हीरो निकलते हैं अंदर से, तो फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि वो स्टेज पे किसी, असल में कॉमेडी देखें, कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि आप सुने, अगर आपने पैसे खर्च करके किसी को बुलाया ना कॉमेडियन, रक्स में अगर ऐसा हो तो, रक्स में तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो एक गाना चल रहा है, एक डांसर आया, उसने डांस किया, नहीं, जैसे कुछ लोग स्टेज पे आ जाते हैं तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपने अगर मुझे बुलाया ना पैसे खर्च करके, तो फिर मुझे देखें, ठीक है ना। जब आप जानते हैं तो फिर मुझे क्यों बुला लिया, फिर बेकार है मेरा आना, क्योंकि मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आप अपने घर के बच्चे को देखेंगे और उसको वो हिट हो जाएगा वहां पे, हालांकि उसको आता कुछ भी नहीं होगा। एटिकेट्स की बात होती हाँ, है। ये जरूरी है, ये अदब हर चीज में जरूरी है, कॉमेडी में हो चाहे वो डांस में, किसी भी शोबे में चले आए, अदब होगा तो काम बढ़ेगा और उसमें निखार भी आएगा। सही है, बिल्कुल। अली बार बार जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहीं से एक सवाल आपसे है अली, के अदब की बात हो रही है, अदब हम देखते हैं कि टॉक शोज में नापैद कभी नजर आता है, तो इस चीज का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हमारे पॉलिटिशियंस और दीगर लोग? इन सभी को ख्याल रखना चाहिए अदब से, तो जिसको भी लगाव नहीं है फिर वो बेअदबी होगा। और जाहिर पॉलिटिशियन जिस तरह के भी हैं, जिस तरह की गुफ्तगू, बिलखसूस टॉक शोज में तो कम, असम्बली में जिस तरह की गुफ्तगू होती है, वो कम अज़ कम अदब के दायरे में तो आ ही नहीं सकती। और बल्कि अब तो लोग मना करते हैं अपने बच्चों को कि असम्बली की कार्रवाई ना देखें। उसी तरह टेलीविजन पर भी जब वो आते हैं, तो हम हमारी कोशिश भी यही होती है कि अदब के दायरे में रहते हुए गुफ्तगू हो। और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो बिल्कुल बारीक सी जो लाइन है, क्रॉस हो जाती है। एंकर की तरफ से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस सीट पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर,
हॉट सीट पर, तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो भी आपके गेस्ट हैं वो आपके लिए मुकदम होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें आप, और उनको इतना इश्तियाल ना दिलाएं कि सामने वाला बेदब हो जाए और देखने वालों को भी परेशानी हो और जो लोग आपको जानते भी हैं वो भी कहें कि यार ये किस तरह किस्म का शो है ये आपका, और ना हमारा तहजीब है ना हमारा कल्चर है, दायरे दायरे में रह के गुफ्तगू होनी चाहिए। जी ये बताइए कि टॉलरेंस जो हमारे माशरे में अब बहुत कम हो गई है, बल्कि दुनिया भर में कम हो गई है, तो ये टॉलरेंस हम फनकार या शो बिजनेस के लोग जो हैं हमारे अंदर जो है, क्योंकि हमें पब्लिक डीलिंग का एक होता है सामना करते हैं, तो हमें ज्यादा जरूरत होती है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता, टॉलरेट नहीं कर पाता तो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और अब जो हालात आगे पैदा हो रहे हैं उसमें तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और मेंशन करूँगा, ये भाई अभी आप थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे उसकी अदब की, ठीक है ना, असल में कुछ प्रोग्राम्स मैं अभी देख रहा हूँ ऐसे, मतलब ये मेरा बोलना बनता है मेरा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जिसमें लोग कॉमेडी तो कर रहे हैं, गेम शो भी हो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उसमें मतलब गुफ्तगु इस तरह की हो रही है कि वो हम मैसेज अपने जो हमारे बच्चे हैं आने वाले उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम ये करते थे, स्पेशली जो वो टिकटॉक जो आजकल है, ठीक है मैं तो ऑन ईयर बोलता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करते नहीं हूँ ना टिकटॉक पे ना किसी और चैनल उस पर, मेरा अपना टैलेंट होता है और मैं स्टेज पे दिखाता हूँ अपना टैलेंट क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, उसमें तो बड़े अजीब और फजूल लोग हैं मेरी नज़र में, ठीक है ना, लेकिन उसके जो लोग जहाँ किसी चैनल पे बैठ जाते हैं किसी भी जगह पे जाते हैं तो उनकी गुफ्तगू इतनी अजीब और गरीब होती है और साथ साथ एंकर भी वैसे हो जाता है चाहे कोई भी हो। यहाँ एक मैसेज है कि हम फनकार लोग या शो बिजनेस से वाबस्ता लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अवाम अपने रोल मॉडल के तौर पे भी देखते हैं, यानी अगर वो उन पे तनकीद करती है लेकिन साथ में सराहती भी है और उनकी जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, तो वो ऐसा किरदार अदा करें कि जिससे लोग सीखें, यानी अदब की बात अली ने की और टॉलरेंस की बात हो रही थी, तो ये सब चीजें हमारे मुआशरे पे गहरा असर डालती हैं। जी आप ये बताइए कि फारिग वक्त में क्या करते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। फारिग वक्त में मैं पकड़ता हूँ मछली, हाँ क्योंकि मैं डाइवर हूँ असल में। अच्छा। हाँ मैं डाइवर हूँ, पहले मैं समंदर के ऊपर मछली पकड़ता था बैठ के, मेरी अपना सब कुछ है, सामान मेरा अपना है, और अब मैं अंदर जाके मरता हूँ, ये मेरा शौक है अपना। हाँ। हाँ, मैं डाइवर हूँ और इस मामले मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, सी साइड बहुत अच्छा अच्छा है जहाँ मैं जाता हूँ, डाइविंग करता हूँ, फिशिंग करता हूँ, बस फारिग टाइम में यही करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि लिखने में मैं इतना बिलीव नहीं करता कि एक कॉमेडियन होता है ना वो पेपर वर्किंग करके लेके जाता है ना, आज यही बोलूंगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ लेकिन अब वो वहां जब चला गया ना स्टेज पे तो वहां क्राउड कुछ और है, तो वो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं करूं क्या यहाँ पे, तो हम तो आमद वाले लोग हैं, मैं स्पेशली मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं बस बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और स्टेज पे जब मेरी एंट्री होती है तो मैं चला जाता हूँ, ये ज्यादा जरूरी है, बस तैयारी करके नहीं जाते, तैयारी कर आप करके जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। हाँ। क्योंकि वही करना है फिर आपने। हाँ। और वो चीज नहीं चली अगर तो फिर क्या करेंगे अब, आपने तो हिट होना है वहां पे, क्योंकि वहां से एक प्रोग्राम से पांच प्रोग्राम मिलते हैं आपको। हाँ। वहां लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, आपका कॉन्टेक्ट बनेंगे, तो आप नेक्स्ट शोज में जाएंगे, ठीक है ना, तो बातें आपके आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम है, ठीक है ना, अब जैसे मैं अपनी एंट्री कहीं वाइंड अप करता हूँ ना, कहीं कहीं मैं देखता हूँ कुछ नए लोग हैं सारे, तो कहीं कहीं इस अंदाज की बात हो जाती है मेरी कि आपको पता है कि एक फनकार के लिए कभी कभी कितनी मुश्किलात पैदा हो जाती है, तो लोग एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, यार अभी तो हंसा रहा था मैं, ये क्या कर रहा है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, अगर आप बोलें तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। बिल्कुल बताइए। तो मेरी जो खाला है ना वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है, तो आप सब लोग उनके लिए क्या करेंगे, लोग कहते हैं दुआ करेंगे, तो मैं बोलता हूँ दुआ क्यों करोगे भाई, नर्स है वहां पे, छुट्टी होने वाली लेने के लिए आना, तो ये एक छोटी सी पंचलाइन बन जाती है। ये उस टाइम जब मैं कह रहा होता हूँ ना जिस अंदाजे गुफ्तगू से जो अंदाज होता है मेरा, वहां वो फिर एक अजीब ही यार, एक तो सीरियस हो गए लोग, फिर उन्होंने कहा दुआ करेंगे, मैंने कहा दुआ क्यों करेंगे भाई, नर्स है वहां पे, तो इस तरीके ये ऑब्जर्वेशन है।
या ऑब्जर्वेशन। नाज़रीन, ज़िया और अली मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िया बतौर एंटरटेनर लोगों को महसूस करते हैं और लोगों को एक उम्मीद दिलाते हैं। अली लोगों को बाखबर करते हैं, उनके मसाइल के हल पेश करते हैं। दोनों के पास इमेजिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, अल्फाज का ज़खीरा है। ज़िया ने जैसे बताया कि वो बग़ैर तैयारी के जाते हैं, बरजस्ता बोलते हैं। अली के शो में मैं जा चुकी हूँ, माशाल्लाह ही इज़ वेरी नाइस। ये बताइए अली कि आप मुताला तो करते होंगे, तो आजकल की बिजी जो लाइफ है उसमें कैसे कर पाते हैं? नहीं, इसके लिए बड़ा जरूरी है टाइम निकालना, और जाहिर है हमारा करंट अफेयर का शो होता है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना और बाखबर रहना। खबरें भी सुननी है आपने, अखबार भी पढ़ने हैं आपने, हिस्ट्री भी नजर होनी चाहिए आपकी, ताकि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हाँ, अगर उसमें नॉलेज नहीं होगी आपकी और आप शाम में प्रोग्राम भी करना है तो किस तरह गुफ्तगू करेंगे आप जितने भी गेस्ट बुलाए आपने, तो मुशाहिदा भी जरूरी है, पढ़ना भी साथ साथ जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा नौजवान नस्ल से भी जो किताबों से दूर हो रहे हैं कि भाई मुताला जरूर कीजिए, किसी फील्ड में भी जाएं आप, और ना भी आपका ताल्लुक हो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से, बाखबर तो रहना सबका बनता है। तो अखबार भी जरूर पढ़िए, किताबें भी अच्छी अच्छी जरूर पढ़िए साथ में, और इन चीज़ों से हम भी तैयारी करते हैं और खबरों से ही, और इस तरह ये भी बहुत सारी खबरों से जॉब बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह मोहन अख्तर साहब बनाया करते थे, इस तरह शरीफ साहब हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, यकीन ये भी इस तरह करते हैं। तो मुताला बड़ा जरूरी है, ऑब्जर्वेशन भी के साथ साथ मुताला भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जाइए ये बताइए कि शो बिजनेस की दुनिया जो है वो रंगीन दुनिया है, और इसमें आपकी जो फैमिली है या आपकी शरीके हयात है या आपके चाहने वाले कभी इनसिक्योर हो जाते हैं, वो कैसे टैकल करते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं फिलहाल। अच्छा, मैं मैरिड हूँ ऐसे, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बिल्कुल, कभी देखें पैसे आते हैं ना जब, हाँ, तो सब 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 सारे काम अच्छे होते हैं, पर अब पैसे नहीं आएंगे ना फिर काम खराब हो जाएंगे। पैसे आने जरूरी हैं, चाहे आप शो बिजनेस में डांस करें, चाहे आप सिंगिंग करें, चाहे आप कॉमेडी करें, स्टैंड अप, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप शो खत्म करके घर जाएंगे और आप पेमेंट है आपकी जेब में, तो समझ लें आप दरवाजे पे लात भी मार सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा इस्तकबाल होगा, हाँ, अच्छा इस्तकबाल होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल आजकल तो नहीं फिलहाल, कुछ अर्से पहले, जैसे 4-5 साल पहले ना, खालाओं और चाचाओं के और फुप्पाओं के बड़े फंक्शन होते थे। हाँ। हमारे जो शो बिजनेस के लोग हैं ना, उनके जो फंक्शन होते ना सबसे ज्यादा वो रिश्तेदारों के होते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब मैं तो आ गया हूँ कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में, ज्यादातर मैं कॉपरेट कर रहा होता हूँ, फार्मा के ज्यादातर कर रहा होता हूँ, डॉक्टर्स ज्यादा मेरे पास एंटरटेन होने के लिए आ रहे होते हैं, और जब डॉक्टर्स एंटरटेन हो रहे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी हमारी खिदमत कर रहे होते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स हमारी खिदमत करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।